क्वेश्चन लिखा दिया था ना जेईई मैक्स कितना ना एच न्यू माइनस फाइव के बराबर। यहाँ से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब जितने भी इक्वेशन आएंगे कलेक्टिवली एक जगह लिख लेंगे और वहां से जो भी ग्राफ लिखे जैसे इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पाई के ग्राफ प्लॉट करते हो का ग्राफ प्लॉट करो ग्राफ कैसा आएगा। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इधर क्या है तुम्हारे पास ठीक है। तो जैसे ये न्यू बढ़ाओगे देखो ये तो टर्म कांस्टेंट है, इंक्रीज क्या होगा तुम्हारे पास न्यू बढ़ाने का मतलब है लाइट जो है ना उसको चेंज कर रहे, लाइट का जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। तो जब उसको चेंज करोगे अब देखो ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में वाई इज इक्वल टू एम एक्स, अगर प्लस सी होता तो वाई का जो इंटरसेप्ट होता वो पॉजिटिव होता, यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेगेटिव माइनस दिया हुआ है, इसका मतलब जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से शुरू होगा। सेंड करोगे तो नेगेटिव में कट करेगा, मतलब ये है फाई वन के लिए, ये ग्राफ किसके लिए होगा और ये न्यू टू के लिए, न्यू वन के लिए हो रही है न्यू टू के लिए। अगर यहाँ से स्लोप तुमसे पूछा जाए कि स्लोप क्या होगा, स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप इस ग्राफ का कांस्टेंट होता है, कोई भी ग्राफ प्लॉट करोगे दैट विल बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि हर केस में जो स्लोप है वो क्या है कांस्टेंट है एच है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो इस तरीके का आएगा, तुम्हें तुमको इसमें डिसाइड करना है कि न्यू वन बड़ा है या न्यू टू बड़ा है, इन दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू बड़ा है, क्या बोलेंगे इसको दिस ग्रेटर देन दिस वन या फिर ऐसे बोले, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा कैसे डिसाइड करोगे। सर V2 ज्यादा बड़ा होगा ना V1 से, V1 नहीं है न्यू बोलता हूँ उसको वेलोसिटी, हाँ म्यू, हाँ वही ठीक है। सर म्यू टू डिसाइड कैसे कर रहे हो, देखो फाई तो सर वो x में ज्यादा, हाँ सर पैरेलल है तो स्लोप तो सेम ही है दोनों, हाँ, का स्लोप सेम है, फिर उसके सर बाद सर x में मतलब ज्यादा, हाँ, मतलब इंक्रीज x, देखेंगे इंक्रीज देखेंगे, हाँ सर क्या बोल रहे कोई कुछ बोल रहा है क्या, नेगेटिव इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा वो सर न्यू न्यू टू न्यू वन इससे सर कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा तुम लोग क्या बोल रहे सर, मेरे को कोई समझ में नहीं है सर, नेगेटिव वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा सर, नेगेटिव वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट जितना ज्यादा होगा न्यू टू न्यू वन इससे सर कंपेयर। अच्छा रुक जाओ, ये जो ग्राफ है ये सॉरी ये फाइव वन है, ये फाइव टू है, फाइव वन फाइव टू के लिए प्लॉट करा गया, मतलब ये मेटल वन के लिए और ये मेटल टू के लिए ठीक है, क्योंकि तो अभी स्लोप कांस्टेंट है, जब इसको इंटरपोलेट करोगे तो अभी क्या दिखेगा तुमको ये जो वैल्यू होगा ये किस क्या होगा फाइव वन, और ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा फाइव टू। अब यहाँ से देख सकते हो फाइव टू इज ग्रेटर देन फाइव वन, तो यहाँ पे दो मेटल का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं दो मेटल को कंपेयर कर रहे हैं। अगर दो मेटल के लिए क्या करा ग्राफ प्लॉट करा, और इस केस में देखो ये जो मेटल है ये जो वैल्यू देगा ये पॉइंट, सर ये ग्राफ किसका है सर, केई मैक्स वर्सेस फाई का, फाई ही है ये न्यू ही है फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, ये जो इक्वेशन है ना इस इक्वेशन में ये वाई है तुम्हारा, ये एम, ये जो टर्म है ये एक्स और ये सी है ठीक है। अब नेक्स्ट इज ये जो पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे जो कट कर रहा है ये वैल्यू तुमको क्या देगा, यहाँ पे जो कट कर रहा है यहाँ से तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इन्फॉर्मेशन बताओ। हाँ सर, सर फाई टू सर फाई टू सर नेगेटिव में ज्यादा है, फाई वन कम है। यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे अगर देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाँ जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो कहने का मतलब है कि ये वाला जो टर्म है एच न्यू
एच न्यू जस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, फाइव, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, एच न्यू किसके बराबर है, फाइव के बराबर है, और जब एच न्यू फाइव के बराबर होता है तो इसको एच न्यू नॉट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जहां पर भी ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ प्लॉट करोगे और जहां पर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ये ग्राफ कट करेगा उस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल वन, और यहाँ पे क्या मिलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल टू, यानी ये तुम्हारे पास न्यू नॉट टू है और ये तुम्हारे पास न्यू नॉट वन है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला एक बार समझ लो, अगर ग्राफ पैरेलल है, ग्राफ पैरेलल है तो दो मेटल के लिए प्लॉट होगा, मेटल वन और मेटल टू के लिए, और यहाँ से तुम्हें फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का इन्फॉर्मेशन है तो तुम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। ये एक इक्वेशन जहां से हमने क्या प्लॉट करा है, ग्राफ प्लॉट करा देख लो, हो गया यहाँ पे एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, इफ काइनेटिक एनर्जी को क्या पुट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कौन पुट करते हैं, ईवीएस के बराबर। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो ईवीएस हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, एच न्यू माइनस फाइव, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके क्या लिख सकते हो, ईएस ईएस इक्वल्स टू एच बाय टी माइनस फाइव बाय टी, ये भी एक इक्वेशन हुआ। यहाँ से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम, अगेन ग्राफ में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा वो एक बार देख लेंगे, यानी अभी हम ग्राफ किसके किसके बीच का प्लॉट करेंगे, टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी का, अभी भी जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ग्राफ प्लॉट करने के लिए इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन हमारे पास है, ये भी इक्वेशन जो होगा ये किसका है, स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, ये भी जो इक्वेशन है ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये तुम्हारा वाई स्लोप एच वाई सी होगा x प्लस c, ठीक है। यहाँ पे भी जो भी स्लोप है उसका ध्यान रखेंगे कितना होगा, वो एच बाई ई होगा, एच बाई ई होगा, हाँ सर, ठीक है। तो अगर इसको प्लॉट करोगे, अगेन दो मेटल के लिए प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ दिखेगा, पैरेलल होगा इस केस में भी, क्योंकि एच इज कॉन्स्टेंट, ई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फॉर एनी मेटल, तो ये मेटल वन है तुम्हारा, मेटल टू, ठीक है। इसको पीछे एक्सटेंड करते, अगर इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये जो टर्म होगा ये होगा phi 1 by e, पिछले वाले केस में क्या मिल रहा था, phi मिल रहा था, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में प्लॉट कर रहे थे, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में प्लॉट कर रहे हैं, ये phi 1 by e मिलेगा, और ये जो दूसरा टर्म है ये कितना मिलेगा, phi 2 by e मिलेगा। यहाँ का जो स्लोप होगा वो कितने के बराबर होगा, स्लोप बराबर होगा तुम्हारा एच बाई, अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जहां पे ये कट कर रहा है ग्राफ, यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, सेम इंफॉर्मेशन जो ये मिल रहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वन के केस में और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
जो भी तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। देखो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, किसी एक मेटल को कांस्टेंट कर दिया, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। इधर ग्राफ प्लॉट करें, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए जो तुम्हें पोटेंशियल चाहिए वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये दोनों ग्राफ से लगभग सेम इंफॉर्मेशन मिल रहा है, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है और दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में है। तो ये जो इक्वेशन थे, ये जो ग्राफ थे, ये सब किसने दिया है? आइंस्टीन ने ये सारे एक्सप्लेन किए हैं और इसके पहले भी कुछ एक्सप्लेनेशन किए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ इक्वेशन नहीं था। बस उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके और डेटा प्लॉट करा था, वो भी देख लेंगे। हो गया, बढ़ा दे इसको। हाँ सर, अच्छा सर, वो आप एक्सरे वाला बोले थे ना सर, वो नहीं है सर सिलेबस में हम लोग का। सही है। कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेना चाहिए, उसके भी मॉड्यूल में जो तुम्हारा है ना वो हटाया नहीं गया है, नीट वाले हाँ कहीं सर, मैं सर मॉड्यूल मॉड्यूल में ही में देख भी बहुत करके मैं सारे बोला था सर। को आईपी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आई से इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आईपी जो होगा ये क्या देगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट देगा। आप थोड़ा समझना, यहाँ पे ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है ये किससे आ रहा है, जो आईपी तुम्हारा आएगा ये आएगा किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आईपी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है तुम्हारा, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसको बोल सकते हो, ये है क्या तुम्हारा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते प्रोड्यूस हुआ है। तो अगर इस एन को इंक्रीज करोगे, या एन एक तरीके से स्मॉल एन लिखा गया, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम ही क्या होता है, करंट होता है। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, यानी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले क्लास में, एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी ये बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा उसके कोरोस्पॉन्डिंग ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा, और ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो उसके चलते जो करंट दिखेगा सर्किट पे, कल जो सर्किट बनाए थे ना, जो भी तुम्हारा लेनार्ड और हॉर्विच में जो सर्किट दिया था, उस सर्किट में जो करंट आईपी आएगा वो इंक्रीज होगा। अब इसको बढ़ाने का तरीका क्या है, इसको बढ़ाने का तरीका है इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं, क्योंकि एक इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आया था, जो इंटेंसिटी में क्या था तुम्हारे पास, आई इज इक्वल टू एन, एक फॉर्मूला था ना, NE बाई के, यही फॉर्मूला था। हाँ सर, तो अगर तुमने वेवलेंथ को कांस्टेंट कर दिया, लेमडा को कांस्टेंट करके रखा, इंटेंसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इंटेंसिटी चेंज करने के कितने तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो, या तो ई बढ़ा दो, ई बढ़ाने के लिए लेमडा चेंज करना पड़ेगा, या तो एरिया को कम कर दो। तो यहाँ पे हम ई और ए को कांस्टेंट रख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करा, प्लेट अगर फिक्स कर लिया तो एरिया तो कांस्टेंट हो गया, साथ ही साथ अगर लाइट फिक्स कर लिया तो क्या फिक्स हो गया, लैम्डा फिक्स हो गया। अब उसका इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं। अब इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब है कि हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर इंक्रीज कर सेकेंड रहे हैं। इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ेगा। यानी यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है। यानी देखोगे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जम करके आ सकते हो, ये जो करंट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इंटेंसिटी। ये जो भी तुम्हारा करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो
तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग ये इंक्रीज होगा, उसके कोरोस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो नंबर, ये जो करंट है आईपी, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यहाँ से सीधे बोल सकते हो दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगेन ये सब जो काम था वो ये स्नेहस्टीन ने नहीं करा हुआ, कभी कभी पूछ देता। जैसे तुम्हारे मॉड्यूल में एक आध सवाल ऐसे होंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसने बनाया, फर्स्ट डिस्कवरी किसने किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, या फिर जो इसका क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन था वो किसने करा, तो वो आराम से एक बार चेक कर लेना। जो फर्स्ट डिस्कवरी था इसका किसने करा है, हर्ट्ज ने करा है। फर्स्ट डिस्कवरी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था वो हर्ट्ज ने करा था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप किसने बनाया था इसका, जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट था, हाँ हर्ट्ज का जो भी स्टूडेंट थे, क्या नाम था उनका, हॉलवास एंड लेनार्ड। तो ये लोग नाम कैसा कैसा रखता है, अभी तक मेरे को आइंस्टाइन में कितना ई आई है वो पता नहीं चलता, इतना सारा नाम याद करने। नहीं आइंस्टीन का तो नाम बहुत ईजी है यार, स्टार्ट भी नहीं, मतलब स्टार्ट भी ई आई एन से होता है, एंड भी। हाँ तो इतना बार बोलते बोलते याद हो गया ना, बाकी सबका भी तो नाम याद रखना पड़ता है। सबका नहीं रखना होता यार, हिस्ट्री थोड़े पढ़ते नहीं होता है, इसमें बहुत कम पूछेगा। सर वेव ऑप्टिक्स में पता नहीं, वो एक तो स्टार्टिंग में रहता है ना, एच से उसका नाम रहता है, मतलब पढ़ते समय में वहीं तक पढ़ना होता है, एक बार बुक में पढ़ लो कि हाइजीन्स थ्योरी है, बस उतना ही काम उसका होता है। मे बी तुमसे अगर जाओगे तो ये थोड़े पूछ देगा कि वेव नेचर जो था लाइट का वो किसने एक्सप्लेन करा था पहली बार, ऐसा कभी सवाल आया क्या? नहीं शायद लगता है सर, नहीं आता में तो शायद लगता है, बोर्ड्स में पता नहीं, बोर्ड का तो आइडिया नहीं है ज्यादा, क्योंकि बोर्ड बेसिस का पढ़ाना बहुत दिन पहले बंद हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कल अगर याद करोगे तो एक और ग्राफ हमने प्लॉट करा था, इसके किसके बीच का, आई वर्सेस वी का, आई वर्सेस वी का ग्राफ, अगेन वो जो मेहनत था किसने करा था, वही जो उनके जो चेले थे हर्ट्ज के, उन्होंने करा था। अब आई वर्सेस वी का ग्राफ जब हमने प्लॉट करा था तो उधर से हमें क्या मिला था, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला था। तो जो तुम्हारा ग्राफ हो गया, इसमें पहले एक काम कर लो, लिख लो फैक्टर्स ऑन विच, factors on which photoelectric current depend किस factor पे depend करेगा। So सबसे पहला जो factor है क्या है तुम्हारा, intensity पे depend करेगा, ये तो साफ साफ यही एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला क्या है तुम्हारा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट नंबर टू, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्या, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं करेगा। हाँ, ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखेंगे क्या क्या डिपेंड कर रहा है, क्या क्या डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लिख लो, नंबर टू में लिखना, नंबर वन में क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नंबर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नंबर थ्री पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट। तो पहला फैक्टर है, उसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या दिखेगा? अगर तुमने ग्राफ प्लॉट करा आईपी वर्सेस आई का, ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, आईपी क्या होगा? इंक्रीज होगा, लीनियर इंक्रीज। ये पहले फैक्टर के लिए हमने प्लॉट करा। सर इंटेंसिटी मतलब ऐसे कि वो रेड का इंटेंसिटी कम होता है, वायलेट का ज्यादा होता है, वैसे करके मतलब वायलेट डालेंगे तो फिर ज्यादा होता है। देखो तो रेड का ज्यादा होता है। अरे अभी तो बताए कि इंटेंसिटी कैसे डिस्कस करते हैं, दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आई का फॉर्मूला एन ई बाई ए, ये दोनों मेथड से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। अब समझो हमारा काम क्या, जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना, जब भी यहाँ पे इंटेंसिटी का बात करेंगे तो हम ई को क्या रखेंगे? कॉन्स्टेंट रखेंगे। जब भी फोटो इलेक्ट्रिक के केस में हम किसकी बात करते हैं? इंटेंसिटी की बात करते हैं, उसमें क्या करते हैं? E को कांस्टेंट करते हैं। E को कांस्टेंट करने का मतलब ये, या तो लेमडा कांस्टेंट या तो न्यू कांस्टेंट, तभी तो जाकर के एक दूसरा फैक्टर तुम्हारे पास बचा। किसका इफेक्ट? फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। नहीं तो दोनों चीज अगर इसी में बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी आ तो रहा है इसमें, तो इसलिए जब भी इंटेंसिटी का बात करेगा, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किससे क्वेश्चन आ गया, बेस्ड ऑन इंटेंसिटी आ गया, तो इंटेंसिटी का सीधे मतलब समझेंगे किससे? एन से, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड से डिस्कस करेंगे। कभी भी जो फ्रीक्वेंसी है या लैम्डा उससे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एच ई इक्वल्स टू क्या होता है? एच न्यू, यहाँ पे न्यू कांस्टेंट करके रखेंगे। आ रही बात समझ में? अब जो तुम बोल रहे हो ना, अगर रेड होता तो हम क्या यूज करते हैं? रेड के लिए यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, और अगर तुम्हारे पास वॉयलेट होता तो ई यूज करते हैं, उसके लिए इंटेंसिटी फिर क्या होता है? वेरी कर जाता, क्योंकि डिपेंड करता है रेड का जो फ्रीक्वेंसी है, फिर वॉयलेट का जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें कंपैरिजन करेंगे, फिर पता करेंगे किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग बता देंगे किसका इंटेंसिटी ज्यादा लेंगे। लेकिन जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होगी तो क्या करेंगे? इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम क्या करते हैं, लाइट जो एक बार इंसिडेंट करवा दिए उसको वेरी नहीं, उसको कॉन्स्टेंट रखते हैं और उसका इंटेंसिटी वेरी करते हैं, ठीक है ना? जैसे बल्ब है तुम्हारा, वोल्टेज कम रहता है तो उसका क्या होता है? वोल्टेज कम हुआ तो डिम हो जाता है। डिम हो जाता होने है, का क्या मतलब हुआ सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम फ्लो हो रहा है, मतलब डिम होने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ से बाहर आ रहे हैं वो क्या हो गए? कम गया, ठीक है ना? तो वही चीज होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक लाइट सोर्स था, ये तुम्हारा प्लेट है, एक लाइट सोर्स तुमने यूज करा और आई इंटेंसिटी यहाँ पे फॉल हो रहा है, आई वन इंटेंसिटी फॉल हो रहा है, तुम्हारे पास एक नॉब है यहाँ पे जो इंटेंसिटी वेरी करवा सकता है, तो इसको जब बढ़ाओगे तो ये आई इंक्रीज होगा ग्रेजुअली, जब इसको कम करोगे तो आई डिक्रीज होगा ग्रेजुअली, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम किसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? इंटेंसिटी आईपी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर ये तुमने लेमडा फिक्स कर दिया तो अभी कंपैरिजन किसका कर रहे हैं? एन का कर रहे हैं। समझ में आ गया बात? नेक्स्ट प्लॉट करेंगे नंबर टू। ये ग्राफ तो बहुत बार प्लॉट कर चुके हैं, किसके किसके बीच का? आईपी वर्सेस बी का, आईपी वर्सेस बी का ग्राफ कल ही देखा था हमने, इस तरीके का दिखा था। ये तुम्हारा इधर आईपी है और ये बी है, का जो ग्राफ आया था इस तरीके का आया था। सैचुरेशन लाइन को टच करता तो क्या बोलते हैं? आई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? माइनस वी एस। वी एस क्या तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, और आई एस क्या है? सैचुरेशन। सर आईएस मतलब सैचुरेशन। अच्छा, जब भी एक फैक्टर का इफेक्ट देखते हैं तो दूसरे वाले फैक्टर को क्या रखते हैं?
कांस्टेंट रखते हैं, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हुआ है तुमने, इंटेंसिटी कॉमन करके रखा है, ऐसा नहीं कि वोल्टेज भी चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज वाला भी नॉब रोटेट कर रहे हैं और इंटेंसिटी वाला भी नॉब रोटेट कर रहे हैं, तो फिर बहुत ज्यादा चेंज आएगा। सर ये ग्राफ पीछे की तरफ में क्यों है नेगेटिव में? ये तो कल ही बताए थे यार, कल एक्सप्लेन कर रहे थे ना स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जीरो वोल्टेज के लिए भी करंट मिल रहा था ना, हाँ सर, उसके लिए जो भी ग्राफ आ रहा था इस तरीके का है। इंटेंसिटी दिखाने के लिए इस पर्टिकुलर इंटेंसिटी को हमने प्लॉट करा है। हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास यही ग्राफ है इफेक्ट ऑफ मोड में, इसको लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एक चीज और थोड़ा समझ लो पहले, ये देख लो जो भी हमारे पास एक फैक्टर लिखे थे जो सेकंड फैक्टर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, समझना इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ा रहे हो तो आई इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करोगे तो आई क्या होगा, बढ़ेगा। अगेन कौन से इक्वेशन से, आई इक्वल्स टू एन एच न्यू डिवाइडेड बाई ए, अगर ये बढ़ाओगे तो आई तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो अभी हम एन को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, एन को क्या कर रहे हैं कांस्टेंट रखते हैं, तो एक बात बताना क्या इसके चलते जो आईपी पे कुछ इफेक्ट दिखेगा तुमको, समझो इंटेंसिटी बढ़ रहा है क्यों, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया फ्रीक्वेंसी बढ़ाया म्यू, लेकिन एन को कांस्टेंट रखा, एन क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या देता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स देता है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स से क्या मिलता है नंबर आईपी मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है। अब देखो दिक्कत क्या है कि जब तुमने क्या बढ़ाया न्यू बढ़ाया तो इंटेंसिटी बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ा क्या उसका इफेक्ट आईपी पे दिखेगा, नहीं दिखेगा सर, ठीक है ना। तो जब भी इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं ना, इस फ्रीक्वेंसी ये जो तुम्हारा इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी का, इसका इफेक्ट जब एन कॉन्स्टेंट होता है तो आईपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज करो इन को अगर कांस्टेंट रखते हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अगर कांस्टेंट रख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा, करंट पे कोई चेंज नहीं होगा, करंट जो आ रहा था वही करंट रहेगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एक चीज अफेक्ट होता है एंड दैट इज व्हाट एमवीएस, जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे हमारे पास फॉर्मूला था काइनेटिक, जो ये न्यूटन ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन करा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका इक्वेशन क्या रहा है एच न्यू माइनस, ठीक है, जो बाद में पता चला लेकिन ग्राफ बहुत पहले प्लॉट करा जा चुका था कि ये जो इक्वेशन है ये ईवीएस के बराबर होता है, तो अगर इसको चेंज करोगे तो वीएस चेंज होगा तुम्हारा, इसको चेंज कर रहे हो तो वीएस क्या होगा तुम्हारा चेंज होगा। अब इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे तो करंट में फर्क नहीं पड़ रहा, करंट में जो वी है वो क्या रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन किसमें फर्क पड़ रहा है वीएस में फर्क पड़ रहा है, यानी अगर ये ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं ना तो VA जो होता है फ्रीक्वेंसी 1 के लिए और VA जो होता है फ्रीक्वेंसी 2 के लिए वो क्या होगा अलग अलग होगा, इसलिए नोट में हम एक चीज लिखेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू की बात कर रहा है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी मतलब एन की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है,
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब बोलेंगे तो किसकी बात करेंगे, न्यू का। इंटेंसिटी बोलेंगे तो एन का बात करेंगे, किस में, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होगी। तो जब यहां से ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो समझना क्या आएगा, यहाँ से ये ई है तुम्हारे पास, ये हमने ग्राफ प्लॉट करा है, ये आई पी है, इधर इधर अभी भी क्या है, बी है। अब देखो इधर एक पोटेंशियल है जिसको मैं Vs1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इधर एक पोटेंशियल है जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Vs2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस केस में देखो जो सैचुरेशन करंट है दोनों के लिए क्या है, सेम है। सैचुरेशन करंट क्या है तुम्हारे लिए, दोनों के केस में सेम है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। यानी यहाँ पे किसका इफेक्ट आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट आएगा। मतलब जब भी तुम फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखोगे, फ्रीक्वेंसी अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखोगे तो IS जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। या ऑप्शन में पूछता है ऐसे कि फ्रीक्वेंसी अगर वेरी कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहे हैं तो IS कांस्टेंट रहेगा, IS वेरी करेगा, या फिर बी क्या है, Vs की अगर बात करोगे तो ये क्या करेगा, इट विल चेंज, Vs इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो Vs भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे बात कर रहोगे तो यहाँ पे इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, मान लो न्यू 1 है, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, न्यू 2 है। तो यहाँ पे न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। सैचुरेशन पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। ऑप्शन क्लियरली पढ़ना है, किसका चेंज पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी का। जब बोल दिया फ्रीक्वेंसी का चेंज ना, तो फिर इंटेंसिटी का नहीं सोचेंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बोलेगा तो इसका मतलब क्या है, एन में चेंज है। और जब फ्रीक्वेंसी में चेंज पूछेगा तो IS को क्या रखेंगे, देखो सैचुरेशन दोनों के लिए क्या है, सेम है। अगर Vs इंक्रीज कर रहा है, Vs इंक्रीज कर रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर रहा है तो Vs क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये Vs, ये Vs2 दोनों के लिए ये वैल्यू, न्यू 1 ये न्यू 2, न्यू 2 इज ग्रेटर देन व्हाट, न्यू 1। ये पूछता है और बार बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्योंकि हमेशा उनके दिमाग में वही इक्वेशन रहता है, ये इक्वेशन रट लेते हैं कि सर I इज इक्वल टू व्हाट, n एच न्यू बाई ए, और फिर बार बार गलती करके आ जाता है। सर क्वेश्चन में इंटेंसिटी दिया हुआ था तो हमारे पास ये फॉर्मूला याद था, इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब न्यू भी चेंज, एन भी चेंज। कभी भी इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो भूल जाएंगे सब कुछ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या याद रखेंगे, एन याद रखेंगे। और अगर इंटेंसिटी चेंज हो रहा है तो पी में देखेंगे इंटेंसिटी का चेंज। तो अगर तुम्हारे पास IP वर्सेस ग्राफ है, IP वर्सेस V का ग्राफ है, यहाँ पे जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके का आता है, ये है यस, ये तुम्हारा IS1, टू कर दो इसको, ये कोरोस्पॉन्ड, ये तुम्हारा IS1, और इससे कोरोस्पॉन्डिंग जो होगा वो क्या है तुम्हारा IS2। ये रख रहा है I1 और ये रख रहा है I2। I1 और I2, कैपिटल I1 I2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर जब इंटेंसिटी का चेंज देखोगे, इंटेंसिटी में देखो क्या IS कांस्टेंट रहेगा, सैचुरेशन इस बार चेंज हो गया। अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे यानी नंबर ऑफ क्या इंक्रीज हो गया है, इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब एन इंक्रीज हो गया। अब उसी पोटेंशियल पे तुम्हें क्या मिलेगा, अगर नंबर इंक्रीज कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे सबसे पहला चीज, I1 इज ग्रेटर देन व्हाट, I2। इस गिवन ग्राफ के लिए I1 इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि सेम वोल्टेज पे एक केस में तुमको ज्यादा करंट मिल रहा है, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब मिलेगा, जब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स कोलाइड करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर करेंगे, यानी इंटेंसिटी I1 इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। और इस केस में सैचुरेशन करंट IS इंक्रीजेस विद, लिख सकते हो IS इंक्रीजेस
आई नंबर टू में क्या लिखेंगे? अब इसका कोई इफेक्ट वीएस पे दिखेगा? का कोई इफेक्ट बीएस पे नहीं दिखेगा, क्योंकि जब इक्वेशन प्लॉट इक्वेशन लिखा था हमने बीएस का, उस इक्वेशन में तुम्हें कहीं इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स दिख रहा था? नहीं दिख रहा था, क्योंकि क्या है तुम्हारे पास, ई बी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, यही था ना। अब इस इक्वेशन में कहीं भी तुमको दिख रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? कहीं नहीं दिख रहा, यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। और अगर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है बीएस, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा इट विल बी तो अगेन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जब इंटेंसिटी का चेंज का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा आराम से पढ़ लेना कि पूछ क्या रहा, फिर आंसर दे। ये तो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर तो जब इंटेंसिटी का क्वेश्चन आएगा तो फिर पता कैसे चलेगा, मतलब क्या करना है नहीं करना है उसमें? वो देगा, अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज, या ऐसे दे दिया कि अगर इंटेंसिटी वेरी कर रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कांस्टेंट, तो अगर बस दिया हुआ क्वेश्चन में इंटेंसिटी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन होगा, तो इंटेंसिटी मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स। जब भी इंटेंसिटी का चेंज पूछ रहा है तुमसे, इसका मतलब जब उसको फ्रीक्वेंसी का चेंज पूछना होगा ना, तो वो अलग से क्वेश्चन दे देगा। जब उसको क्या पूछना होगा, फ्रीक्वेंसी की बात करनी होगी, तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेंस कॉन्स्टेंट When frequency change during the photoelectric effect, तो वो frequency की अलग से बात करेगा और intensity का अलग से बात करेगा, और intensity का जब बात करेगा तो इसका मतलब number of photons होंगे, ठीक है? हाँ सर। ये तो उसका सबसे पहले ग्राफ वही तो प्लॉट कर रहे थे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहला ग्राफ किसका था जो डायरेक्ट ऐसे प्लॉट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन? क्या क्या फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे? इंटेंसिटी पे ये तो ग्राफ है, डिपेंड करेगा कि नहीं बताया तो है कि नहीं करेगा? इधर ये क्या एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर सैचुरेशन करंट, हाँ फोटोइलेक्ट्रिक करंट ही तो सैचुरेशन करंट है, हाँ मैक्सिमम पॉइंट किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जाओगे तो जो भी करंट मिलेगा वो कांस्टेंट ही हो जाता है, जो चेंज नहीं होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, तुम किसी पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जाओ तो भी देखो इंटेंसिटी अलग अलग करंट मिल रहा है ना। अरे जब ये ग्राफ किसी पर्टिकुलर, जब तुमने पूरा नॉब ये चेंज कर दिया वोल्टेज, जब कितना भी बढ़ाओ करंट में कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये करंट क्या होगा? मोस्ट ऑफ दी सिचुएशन जो होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक, हम इधर से डील करते हैं, ये तो वेरिएबल वाला जोन है, ये जो भी जोन है ये क्या है, वेरिएबल जोन है। तो जब यूज करेंगे तो कौन से जोन में यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट वाले जोन में यूज करेंगे। तो जब इधर जाओगे इस वाले जोन में फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो करंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, करंट में जो भी चेंज होगा क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे कि एक बार अगर तुमने सैचुरेशन जोन में पहुंच गया, सैचुरेशन जोन में पहुंच गया फ्रीक्वेंसी, एक बार इंटेंसिटी आई वन यूज कर रहे हो, एक बार इंटेंसिटी क्या यूज कर रहे हो, आई टू यूज कर रहे हो, तो सेम पोटेंशियल के लिए इधर जो सेम पोटेंशियल रेंज है उसके लिए तुमको क्या मिलेगा, दो करंट मिलेगा। लेकिन इधर ऐसा कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सारे जो जोन है ना इधर तो वेरिएशन हम करवा रहे हैं अपने मन से ताकि इफेक्ट देख सके किसका किसका। ये सब जो इधर वाला इफेक्ट है ये वी और आई का इफेक्ट है। अभी हम किसका किसका बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी और फिर किसका बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो जब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो पोटेंशियल को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। जब भी एक फैक्टर का चेंज देखते हैं तो दूसरे फैक्टर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो दूसरे फैक्टर में फिर डिस्कशन करोगे कि सर यहाँ पे चेंज कर, यहाँ पे चेक करोगे वोल्टेज इस पर्टिकुलर पे कांस्टेंट रखते हैं तो फ्रीक्वेंसी वन के लिए भी करंट वही मिलेगा, फ्रीक्वेंसी टू के लिए भी करंट वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा होगा किसी वोल्टेज पे करंट I1 यहाँ पे मिले और करंट I1 यहाँ पर मिलेगा, मिल रहा नहीं मिलता। जब भी एक का इफेक्ट देखेंगे फिर दूसरे से कंफ्यूज मत कर लेना, सर वोल्टेज भी चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी भी चेंज कर रहे हैं, सारा चेंज करके एक ही साथ में नहीं देखते।
क्या करे, क्या क्या करे, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे तो उसके लिए ग्राफ लोड करा, कुछ बताया उसके लिए, कुछ ग्राफ अपलोड करवाया है? हाँ, तो ये सारा चीज दिखाया, तो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, काहे कंफ्यूज हो इतना? कैसे डिपेंड करता है बताओ, क्या कैसे डिपेंड करता है बताओ, तो कुछ बताए होंगे ना कि फ्रीक्वेंसी पे क्या 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 डिपेंड कर रहा है, क्या क्या डिपेंड नहीं कर रहा है। बस काम खत्म, और क्या चाहिए? तो वही तो एक तरीके का फैक्टर है। फैक्टर अब बोल दिया कि जरूरी थोड़े कि वो चेंज करेगा ही, अगर कांस्टेंट रखता है तो। अरे जिस जिस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है उस चीज से रिलेटेड तुमको बताएं, अब उसमें क्या कंफ्यूज हो रहा है, बता ही दिए फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा, क्या क्या चेंज नहीं होगा, क्या क्या चेंज होगा, फिर भी परेशान हो रहे हैं। और कुछ बचा है? वो हो जाएगा मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन शायद। हाँ एक चीज और देख लो, ये यूज होता है बहुत ज्यादा, जैसे कभी भी एनर्जी यहाँ पे निकालना होता है ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाई लेमडा, ठीक है? तो ये वाला जो टर्म है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो लेमडा होगा वो किस टर्म में देगा, या तो एंगस्ट्रॉम में या फिर नैनोमीटर में, ये दोनों चीज तुमको दे के रखेगा। तो एच सी जो है वो सीधे क्या यूज कर लेते हैं, 12420, जब इतना यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, एस सी क्या है तुम्हारे पास, एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12420 है, तो इसका मतलब एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। एक कम कर दोगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, वो नैनोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो उसको याद रखना थोड़ा सा, वो बार बार पूछता है उस तरीके के क्वेश्चन में, वो डायरेक्टली याद रहो, क्योंकि कभी कभी लैम्डा क्या होता है ना, लैम्डा इसका मल्टीपल में दे देता है, तो वहां से सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, इजी होता है। ये पढ़े होगे केमिस्ट्री में, इस तरीके का बहुत ज्यादा सवाल होता है। 12,000, हाँ चलो उसमें ज्यादा फर्क है। चलो इस फोटो इलेक्ट्रिक पे खत्म हो गया, नेक्स्ट लिखेंगे मैटर वेव। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा मैटर वेव। देखो मैटर वेव पहले समझ लेते हैं कि ये क्यों आया। जैसे पहले क्या हो रहा था कि लाइट जो था, लाइट क्या है तुम्हारे पास, वेव की तरह काम कर रहा है, ठीक है? जो बाद में किसी लोगों ने बोला कि इसके पास, लाइट के पास कैसा नेचर है, पार्टिकल बिहेवियर भी है, दोनों है इसके पास, ठीक है? तो लोगों ने फिर कुछ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने दिमाग लगाना शुरू करा कि जिस चीज को अभी तक हम पार्टिकल समझ रहे थे, जैसे तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या समझ रहे हैं अभी तक, हम इसको समझ रहे हैं पार्टिकल्स, कब तक, जब तक हम लाइट को क्या समझ रहे थे, वेव समझ रहे थे। तो मे भी ये जो पार्टिकल्स है ये अभी क्या कैसा बिहेव कर सकता, वेव की तरह भी बिहेव कर सकता। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम तुमने बहुत ही यूज करा होगा, जिस क्या नाम था, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बोला कि ये जो जितने भी सर सर आपका सर नेट थोड़ा पार्टिकल्स है एक ना, बार फिर सर एक बार फिर बताइएगा सर, क्या हो गया, पूरा अटक वेरी गया सर। डिस्टर्ब। हाँ सर आप ही का सर रेड दिखा रहा था। हाँ ठीक है सर। लाइट जो है ना, लाइट हाइजीन्स ने क्या बोला था कि वेव है, बाद में फिर जो भी क्वांटम थ्योरी आया उसमें लाइट को कैसे यूज करने लगे, दोनों यूज करने लगे, मतलब वेव भी हो गया और पार्टिकल भी है, और जो भी तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स है उसमें लाइट को कैसा डील करते हैं, पार्टिकल समझ के डील करते हैं। वैसे ही फिर लोगों ने दिमाग लगाया कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया या प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, या जो भी और भी छोटे पार्टिकल्स है,
उसको हम पार्टिकल मान रहे थे अभी तक, मे बी उनके पास कैसा नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा, लेकिन वेव नेचर ऐसे डायरेक्टली बोल नहीं सकते हो कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास वेव नेचर है। वेव एक्सप्लेन करने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, वेव एक्सप्लेन करने के लिए उस वेव का वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है, और वेवलेंथ अगर तुम्हारे पास है, या फिर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, दोनों में से कोई एक पता रहेगा, एक निकाल लोगे, जो नहीं पता रहेगा क्योंकि स्पीड जो है उससे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी यहाँ से वेवलेंथ आया उस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारा किसके चलते किसने दिया, ये सब डी ब्रोगली ने दिया, इसलिए इस जो भी यहाँ पे वेवलेंथ आया उसको किस नाम से जानते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ को नाम से जानते हैं, और इसको मैटर वेव बोलते हैं। मैटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी चीजें हम पहले पार्टिकल की तरफ बिहेव करवा रहे थे, अब उससे क्या काम करवाएंगे, हम वेव का काम करवाएंगे, इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या है तुम्हारा। तो अभी तक जितने पार्टिकल से डील कर रहे थे उसका बिहेवियर हम पढ़ेंगे कैसा, एज ए वेव की तरह, और उसमें सबसे जो फेमस पार्टिकल है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। सबसे जो सर ये फेमस थ्योरी तो है, सर फेल हो गया था ना, कौन सा थ्योरी सर, ये डी ब्रोगली वाला, डी ब्रोगली थ्योरी फेल हो गया, उसका मतलब छोड़ो ना यार, तुमको पढ़ना है ना सिलेबस में, सर ये फेल हुआ थ्योरी पढ़ना पड़ता है सर, थॉमसन पढ़ना पड़ता है, सर थॉमसन तो सर वही मेरे को पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ते हो, हाँ सर बोर सही है, 100% करेक्ट है, सर गलत ही है सर पूरा, पढ़ना पड़ता है ना, थॉमसन पढ़ते हो, रदरफोर्ड पढ़ते हो, ये सब पढ़ रहे हो ना, हाँ सर डाल्टन हटा दिया है एनसीईआरटी से, ये पढ़ रहे हो, सर है सर, कितने मॉडल पढ़ रहे हो, डाल्टन पढ़ा होगा, सर डाल्टन थॉमसन रदरफोर्ड उसके बाद में बोर फिर डी ब्रोगली थॉमसन, फिर हेजनबर्ग उसके बाद रदरफोर्ड पढ़ा होगा, फिर बोर पढ़ा होगा, फिर बोर सर डी ब्रोगली उसके उसके बाद में बाद बहुत सारे हेजनबर्ग, आ गए, तो क्या इन सर सबको हटा दिया, अभी भी सर रखा रखा हुआ ही है, है, हाँ सर रखा रखा ही हुआ है, है, तो फिर सिलेबस में तो पढ़ाएंगे, जिस दिन हटा देगा उस दिन तुमसे आसान काम मेरा हो जाएगा ना, हमको नहीं पढ़ाना पड़ेगा। चलो तो लिखना, लिखो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि इसमें एक साइंटिस्ट का मेहनत है, बहुत सारे साइंटिस्ट मेहनत कर रहे होते हैं, किसी एक के दिमाग में क्लिक हो जाता है और फिर वहां से काम चल जाता है, क्योंकि न्यूटन ने देखो बहुत दिन पहले बोल के रखा था कि जो लाइट है वो क्या है, लाइट कॉर्पसल नेचर का तो होता है ये, पार्टिकल पार्टिकल नेचर का, लाइट के पास क्या है, कॉर्पसल पार्टिकल नेचर का, लेकिन सबने उसको गाली वाली दे दिया कि अब बड़े साइंटिस्ट तो इसका मतलब ये थोड़े कुछ भी बोलोगे, क्योंकि उस टाइम जो हाइजीन्स ने बोला था ना वो बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, यंग्स ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि हाँ लाइट कैसे बिहेव कर रहा है वेव की तरह, यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो लाइट को क्या करवाने के लिए, हाँ तो उस टाइम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हो गया जो वेव नेचर को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, तो बीच में अब न्यूटन भैया आके बोलेंगे कि वेव ये लाइट कैसा है, पार्टिकल है, क्योंकि न्यूटन का क्या नाम है, कॉर्पसल थ्योरी करके है, जिसने उन्होंने हाँ बोला सर था कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल, इलास्टिक पार्टिकल से बना हुआ, लेकिन सबने गाली दिया था उस टाइम, कोई नहीं माना था, फिर वही बात बाद में लोगों ने माना, लेकिन अगेन वैसे ही मानने के लिए बैठा थोड़े रहता है, क्योंकि होता क्या है ना कि जब 10 साइंटिस्ट के सामने तुम कुछ बोलोगे ना, जैसे कोई भी पेपर अगर जाके बैठ के बोल दे रहे हो तो मान थोड़े लेंगे, वो बोलेंगे प्रूफ लाओ, तो प्रूफ जिसने दिया उसका माना गया, जिससे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी करके वो फेमस हुआ, क्योंकि उसने क्वांटम वांटम क्वांटा वांटा लेकर के पूरा एक्सप्लेन करा, फिर लोगों ने मान लिया कि पार्टिकल जो भी है उसके पास, लाइट के पास पार्टिकल वाला नेचर है, लेकिन न्यूटन देखो कितना दिमागी आदमी था, बताया तो उसने भी था, अब बाद में भले, हाँ तो जो मेन काम है, अब आधा फिजिक्स जो है पूरा 11 तो तुम न्यूटन ही पढ़े हो, पूरा 11 तुम्हारा न्यूटन ही था बेचारा, इसमें कुछ और तो है नहीं, हाँ 12th में पहुंचोगे तो इस 12th में यार इतने ज्यादा साइंटिस्ट है, ये जो 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैट का शुरुआत कहाँ से हुआ था, बेंजामिन सर कुलम्ब फ्रैंकलिन, से, नहीं बेंजामिन इसे अरे मानते हाँ हैं, हाँ स्टार्ट वो हुए उसके बाद लेकर में से चाबी बेंजामिन लेकर फ्रैंकलिन, के वो पतंग उड़ा रहा था, हाँ चाबी लेकर के पतंग उड़ाया, फिर इलेक्ट्रिक शॉक खा गया पतंग उड़ाने से पहले भी ग्लास और सिल्क रोड को उसने रब करे और के देखा, ये सारी चीजें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा, फिर ये जाते जाते कूलम्ब्स को देख कर गया, कूलम्ब्स ने क्या करा, फोर्स निकाला, ये कर करके, मतलब 12th वाले क्वेश्चन में बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मिल जाएगा, ठीक है, आगे जाओगे तो तुम्हारे पास गॉज आएगा, फराडे मिलेगा, हाँ और लेंज टेस्ला लॉ सर मिलेगा, गॉज हाँ आएगा, गॉस आएगा, लेकिन इधर क्या है ना, जैसे तुम कहाँ तक, ग्रेविटेशन तक,
ग्रेविटेशन तक जाओगे तो एक ही साइंटिस्ट का नाम सुनने को मिलता है। सर कौन? साउंड तक, साउंड में भी साउंड तो तक ही, देखो साउंड तक भी पहुंचा दिया। अभी जस्ट खत्म करे हैं तुम्हारे में, क्या नाम है उसका, रेडिएशन पढ़ रहे थे, रेडिएशन में भी घूम फिर क्या गया, हाँ न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ, लॉ, कूलिंग। ठीक है। थर्मल वाले पार्ट को भी नहीं छोड़ रहे, हाँ थर्मल सर, वाले सर पार्ट उसको को तो मतलब। लाप्लेस सर रिप्लेस कर दिया था ना। और ऊपर से मैथ में क्या कर दिया उसने, मैथ में पूरा इंटीग्रेशन कैलकुलस उसने कैलकुलस, बना दिया। कैलकुलस कैलकुलस ला दिया। हाँ, अगर ये कैलकुलस नहीं होता तो आधा जो बच्चे मैथ छोड़ के भागते हैं वो तो आधा अभी मैथ ही पढ़ रहे होते हैं, आधे मैथ ये डर जाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है 11th 12th में, 12th में कैलकुलस पढ़ना है, तो आधे लोग इसी का नाम सुन के भाग जाते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो फिर भी कर लेते हैं, इंटीग्रेशन में हालत खराब हो जाती है बहुत सारे लोगों की, तो देखो कितना मेहनती आदमी रहे इसलिए तो अभी भी फेमस है। लिखो, लिखना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, सबका वो सबका बात छोड़ो, मैक्सवेल ने भी अभी इसमें तो बहुत ये सारा फर्स्ट मेहनत करा। क्या? हेडिंग है इस चैप्टर का, तो हाँ, इस ये चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट है। हेडिंग है डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, वेव वही देंगे, डी ब्रोगली नहीं दिया हुआ है, जो वेव नेचर लिख रहे हो ना, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वो डी ब्रोगली नहीं दिया हुआ है, तो उसको ब्रैकेट में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बोल सकते हो। लिखना, वेव्स आर एसोसिएटेड विद, वेव्स आर एसोसिएटेड विद, वेव्स आर एसोसिएटेड विद, अब देखो इसका नाम ही क्या है, हाइपोथेसिस है, अभी भी इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, अगर प्रूव हो गया रहता तो क्या बोलते हैं, लॉ में चेंज हो गया रहता, ठीक है। लॉ हो हाई जाता। हाइपोथेसिस और लॉ में क्या डिफरेंस होता है, कि जो प्रूव हो गया उसको फिर चेंज करके, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है, कभी पढ़े हो क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स हाइपोथेसिस ऑफ मोशन, वो सारी चीजें प्रूव्ड है, तो हाइपोथेसिस है इसका मतलब अभी भी ये प्रूव नहीं है, अब साफ साफ किताब में लिखा हुआ है, आ रही बात समझ में, तो लिखना, वेव्स आर एसोसिएटेड विद एवरी एवरी मूविंग मैटर, एवरी एवरी मूविंग मैटर, हाँ हाइपोथेसिस की बात इसलिए बता देना क्योंकि लास्ट ईयर एक बच्चा आया था सर कह रहा है स्ट्रिंग जो हाइपोथेसिस है, स्ट्रिंग थ्योरी का जो हाइपोथेसिस है वो सही है कि गलत है, मतलब हम कैसे बता सकते हैं, अभी हम भी वही पे हम पढ़ा ही रहे हैं, अब हाइपोथेसिस वो प्रूफ प्रूफ करने का काम किसका है, जो बेचारे नासा वासा में बैठे हुए उनपे दिमाग, उनको दिमाग लगाने दो ना, हमको उतना पैसा नहीं मिलता है, तो हम ये बता देंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी सही है कि नहीं, क्या क्या सवाल पूछते रहते हैं सर बच्चे स्ट्रिंग थ्योरी तो सर सिलेबस में है भी नहीं सर। तुम्हारे सिलेबस में, अरे कुछ कुछ होते हैं ना जो रिसर्च करने वाले होते हैं, अच्छा सर, हाँ वेव्स आर एसोसिएटेड विद एवरी, वो YouTube में सर वीडियो सब बहुत आता है सर, उसी से देख के। हाँ हाँ तो यूट्यूब वालों को पता है ना कि लोग कचरा देखना पसंद करते हैं, कुछ भी डाल दो व्यूज आने वाले हैं, क्योंकि खाली लोग बैठे पड़े हैं, और कोरोना के चलते तो और भी खाली लोग आ गए हैं बहुत ज्यादा, क्लासेस चल रही होंगी वो नहीं देखेंगे, लेकिन यूट्यूब पे आया होगा स्ट्रिंग थ्योरी वो जरूर देखेंगे, या फिर डायनासोर क्यों मरे वो जरूर देखेंगे। हाँ सर, लिखना, वेव्स आर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग मैटर, एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल, एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल, एवरी मूविंग मैटर पार्टिकल विच आर नोन एज मैटर वेव, विच आर नोन एज मैटर वेव, मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, फुल स्टॉप, मैटर वेव, मैटर वेव्स आर, मैटर वेव्स आर प्रोबेबिलिटी वेव्स, मैटर वेव्स आर प्रोबेबिलिटी वेव्स, हो सकता है उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी है, मे बी हो भी सकता है, अब उसने बहुत सारी चीजें बताया कि अगर वेव होगा तो उसके पास क्या होना चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए, तो उसके लिए उसने फोटोन का जो भी कंसेप्ट है ना वो चोरी करना स्टार्ट करा, एक साइड फोटोन लिखते हैं, अब फोटोन के पास क्या था, फोटोन की केस में समझना, हमारे पास फोटोन के लिए था कि जो भी मोमेंटम होता है कितना होता है, पी इक्वल्स टू होता है एच बाई, ठीक है ना, जो भी पी होता है वो एच बाई किसके बराबर होता है, लेमडा के, क्योंकि फोटोन के केस में मास इंटू वेलोसिटी से नहीं निकालते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं,
लेमडा पता होता है, क्योंकि जो भी फोटोन है, फोटोन के जो भी आ रहा है वो रेडिएशन है, वो रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, तो वहां से क्या कर सकते हैं, मोमेंटम निकाल सकते हैं फोटोन का। ये मोमेंटम है किसका, फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला। अब उसने क्या बोला कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी चल रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा, मास की तो स्पीड है इसका कितना, इस इंस्टेंट पे हमने देखा वी है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम इंटू वी। ई के लिए हटा दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का ही मास रखेंगे। अब उसने क्या बोला ना कि ये जो फॉर्मूला आप लिखे हो, तुम्हें पता है पी इक्वल्स टू क्या होता है, एच बाई लेमडा, तो लेमडा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। और चूंकि तुम्हारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है और स्पीड कितना है, पी है, तो लेमडा कितना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, अब ये जो पी है ना, इसको निकालने का अलग अलग फॉर्म देता है, मे बी कभी काइनेटिक एनर्जी दे देगा क्वेश्चन में, जैसे तुमको डी वेवलेंथ पूछेगा ना, तो अगर यार सीधे तुमसे पी ही दे दे कि मान लो मोमेंटम पार्टिकल का इतना है, तो बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये कोई भी बता देगा। वो तो तीसरा क्लास के बच्चों को अगर सिखा दो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यहाँ मोमेंटम रख देना, यहाँ एच रख देना, लेमडा निकाल दो, बता देगा। तो डायरेक्टली नहीं पूछता है क्वेश्चन में, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो क्वेश्चन आएगा ना, वो अलग अलग तरीके से पूछता है, या तो कभी काइनेटिक एनर्जी दे देगा कि जो भी ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो इतनी काइनेटिक एनर्जी चल रहा है, तो बताओ उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना, तुमको क्या चाहिए, पी का रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी, या कभी कभी क्या दे देता है, टेम्परेचर दे देता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका टेम्परेचर कितना है, टी है, अब बताओ उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन को डेल्टा बी पोटेंशियल के अक्रॉस हमने उसको ट्रांसलेट करवाया, तब बता दो उसका वेवलेंथ कितना होगा। मतलब कितने तरीके से तुमको पूछ सकता है वेवलेंथ, एक ये तरीका डायरेक्टली पी दे दे, जो सबसे बच्चा वाला तरीका है, नहीं पूछेगा। नेक्स्ट तरीका क्या है, काइनेटिक एनर्जी दे दे, फिर तुमसे क्या पूछ ले, रूट टू एम ई, टेम्परेचर दे दे, फिर तुमसे पूछ ले, और पोटेंशियल डिफरेंस दे दे। अब तो तुम्हारा यहाँ काम क्या है ना, कुछ भी दे तुमको, मतलब क्या है उसको पी के टर्म में कन्वर्ट करना, कुछ भी दे रहा है तो तुम्हारा काम क्या है, पी के टर्म में कन्वर्ट करना। पी के टर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे सर, वो जो टेम्परेचर है सर, उसको तो मतलब के ई के टर्म में तो लिखे सकते हैं ना, के ई इक्वल टू रूट थ्री बाई टू के टी करके। हाँ, वही वही वाला चीज, ये जो टेम्परेचर एक मॉलिक्यूल में जो टेम्परेचर के चलते एनर्जी आता है वो क्या होता है, अरे भी जस्ट हाँ, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सभी पढ़ के आया, थ्री बाई टू के टी टेम्परेचर, अगर टी है थ्री बाई टू के टी एनर्जी होगा, हाँ वो इतने के बराबर होगा, तो एनर्जी है, ये एनर्जी और ये एनर्जी सेम है, मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे वैसे इसको भी यूज कर देंगे, तो काम बन जाएगा। अब तुम्हारा काम क्या है, पोटेंशियल, ये सॉरी, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए, तो क्या रिलेशन होता है, पी इक्वल्स टू रूट टू के एम, हाँ एम एम सॉरी एम के मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, यानी लेमडा का एक फॉर्मूला आ जाएगा, जो ये बुक में अलग अलग ऐसे फॉर्मूला करके लिखता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब इससे है, हमें कन्वर्जन आना चाहिए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी अगर दे रहा है, तो हम सीधे यहाँ पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। मेन फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो आया कहाँ से, एक्चुअल में फोटोन से चीट करके आया, फोटोन में क्या था, पी को स्विच भाई लेमडा, तो लेमडा को इधर ले गया, पी को यहाँ लाया, सिंप्लीफाई करा, पी निकालने के कितने तरीके हैं, एक दो तीन और एक डायरेक्टली ये वाला, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बना जो तुमको क्या दे सकता है, वेवलेंथ दे सकता है, कौन सा वेवलेंथ, क्योंकि ये डी ब्रोगली ने दिया तो क्या बोलेंगे इसको, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, सीधे यहाँ पुट कर दोगे वो आ जाएगा, और यही के जब टेम्परेचर दिया रहता है, इसको ईवी के टर्म में भी तो पुट किया जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी को ईवी के भी टर्म में पुट किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले हम टी के टर्म में देखेंगे, इफ टी इज गिवन, टी इज गिवन तो हमारे पास क्या होगा, टी अगर गिवन है तो जो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा इट विल बी थ्री बाई टू के टी होगा, ये के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ये स्मॉल के जो यहाँ पे है ये क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, कैपिटल के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, एक पार्टिकल है ना, तो उसके पास जो भी एनर्जी आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो लेमडा निकालने का के लिए एक और फॉर्मूला हो सकता है, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा, थ्री
मास बचेगा ना, एम के पी। अब इस के में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ जो के है वो काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगेन इस फॉर्मूला से भी क्या मिलेगा, लेमडा ही मिलेगा बस टेम्परेचर के फॉर्म में। तो इससे सवाल आता है बदल बदल के, कभी टेम्परेचर पूछ दे देता है, कभी काइनेटिक एनर्जी दे देता है, कभी पोटेंशियल दे देता है कि दो पॉइंट का पोटेंशियल है, वैसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वो जो फॉर्मूला है ना, एक और फॉर्मूला आएगा कि अगर मान लो इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब इनिशियली क्या है पार्टिकल रेस्ट में था, जब क्वेश्चन में तुमको साफ साफ दिखे कि इनिशियली पार्टिकल क्या था, रेस्ट में था और उसको हमने कितने पोटेंशियल के अक्रॉस, ये कहता है वी पोटेंशियल के अक्रॉस एक्सेलरेट किया, तो एनर्जी जो वो अक्वायर करेगा इट विल बी ई इंटू वी, और ये होगा अगर इलेक्ट्रॉन को तुमने घुमाया तो ई इंटू वी, और ये काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। और अगर ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो सीधे क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की जगह पुट कर दोगे तो लैम्डा एक और इक्वेशन मिलेगा विच विल बी टू एम ई इंटू वी। लेकिन अगेन इसको डायरेक्टली हमेशा यूज नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं यूज कर सकते, कभी कभी सवाल में रेस्ट नहीं दिया रहता है, वी वेलोसिटी दिया रहता है, और जब वी वेलोसिटी इनिशियली देगा ना तो ईवी से जब उसको घुमा चलाओगे तो अब काइनेटिक एनर्जी जो होगा के ई फाइनल इट विल बी 1/2 mv² प्लस ईवी, इन दोनों का सम यहाँ पुट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो, लेकिन कब, व्हेन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं कभी कभी सवाल में दे देता है, भाई साहब देख रहे हैं अगर कोई सवाल होगा तो करवाएंगे। अब इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, ग्राफ और प्लॉट करना होता है, जैसे ग्राफ दे देगा लैम्डा वर्सेस टी का, लैम्डा वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा सर, लीनियर होगा, हाइपर बोला, लैम्डा वर्सेस टी का भी ग्राफ कैसा होगा, लैम्डा वर्सेस ई का, ई ई ई ई इधर बोला कैसे हो सकता है, हाइपर बोलिए, अगर सारा ग्राफ लैम्डा वर्सेस वी दे दे, अगर लैम्डा वर्सेस वेलोसिटी पूछ रहा है कैसा ग्राफ होगा, लैम्डा वर्सेस वेलोसिटी कैसा ग्राफ होगा, सारे ग्राफ कैसे दिखेंगे, हाइपर किसी भी टर्म से देख लो, क्योंकि जो एच जो है ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है ना, यानी बाकी सारे जो फैक्टर है जो वेरिएबल है वो किधर है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ जो भी टर्म रखोगे ना, रूट लगाओ या स्क्वायर लगाओ, सीधे क्या कैसा ग्राफ दे देगा, हाइपरबोला ग्राफ दे देगा। यानी मोस्ट ऑफ दी केसेस इधर जो भी ग्राफ प्लॉट करोगे, मोमेंटम से प्लॉट कर लो, काइनेटिक एनर्जी से प्लॉट कर लो, टेम्परेचर से प्लॉट कर लो, टेम्परेचर किधर था, इधर था, टेम्परेचर से प्लॉट करोगे ये भी ग्राफ कैसा दिखेगा, तो इधर जो भी ग्राफ प्लॉट करोगे सबका सब क्या दिखेगा, हाइपरबोला, हाइपरबोला दिखेगा, वही ग्राफ देता। इस केस में तुमसे एक और चीज पूछेगा, आज तक पूछा तो नहीं है लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो बता दे रहे हैं, इफेक्टिव मास की बात करता है कि जब पार्टिकल कोई है वी स्पीड से चल रहा है, दैट वी स्पीड इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उस केस में जो एक्चुअल मास होता है उसकी बात नहीं करते हम, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं इफेक्टिव मास की, ठीक है। और इफेक्टिव मास क्या होता है तुम्हारा वो समझेंगे, लिखना इफेक्टिव मास ऑफ ए पार्टिकल, इफेक्टिव मास ऑफ ए पार्टिकल, इफेक्टिव मास ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, इसको रिलेटिविस्टिक मास भी बोलते हैं या फिर इफेक्टिव मास भी बोलते हैं। ये जो मान लो कोई पार्टिकल है कितने चल रहा है, वी वेलोसिटी चल रहा है, एंड दिस वी वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू व्हाट, लाइट के स्पीड से क्या कंपेरेबल है, मे बी हाफ हो सकता है, मे बी 1/4 हो सकता है, ये सारी वैल्यू जो है कंपेरेबल ही है। तो
इस केस में जो इफेक्टिव मास आएगा m डैश, इट विल बी m डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस v बाय v का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमको क्या दे देगा, एक बार अगर वेलोसिटी को पुट कर रहे हो कितना, जीरो, वेलोसिटी को कितना पुट करोगे, जीरो पुट करोगे, तो जो मास दिखेगा m डैश वो कितने m हो जाएगा, m के बराबर होगा। इस m को बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलेंगे, ये तुम्हारा रेस्ट मास है, मतलब जो एनर्जी पूरा खत्म हो गया होगा उसका। सही, चैप्टर हो गया क्या? हाँ, और उसमें क्या ही बताया तुमको, कुछ नया बोलो तुम्हारे दिमाग में हो तो। सर तो एक्सरे तो है नहीं, तो सर फिर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, न्यूक्लियस वाला, वो करवा दीजिएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स ना? हाँ सर वही। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे सर? एक ही बात है सर, तो वही एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो ना सर? वो तो एक ही है सर, वो मैं पढ़ के हाँ, वो देखा था सर। सेम 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 है, एकदम एग्जैक्टली डिटो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। वही वही वाला बोर मॉडल है, वही लाइन स्पेक्ट्रम, वही ज्यादा बढ़िया कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री वाले सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो मैं मानता हूँ कि ज्यादा बढ़िया कौन पढ़ाएगा, क्योंकि यार उनके स्टार्टिंग में ही पढ़ाना होता है, स्टार्टिंग में जो चैप्टर पढ़ाना होता है। हाँ, वो हो गया ना, वो मत बोल देना कि नहीं हुआ है कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़े, तो फिर केमिस्ट्री कहाँ पढ़ रहे हो। हाँ, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ही जगह पढ़ाया जाएगा, उससे दोनों सवाल हो जाएगा, फिजिक्स के भी और वही पढ़े हो ना। सर हल्का फुल्का अभी बता देंगे, हल्का फुल्का क्या ही बताएंगे, लाइमन बामर ये सारा सीरीज बता देंगे तो काम चल जाएगा, एनर्जी इक्वेशन, चलो फॉर्मूला लिखा देंगे। साइज कितना होता है एटम का, एटम का साइज एग्जैक्टली नहीं बोलना कुछ रिजल्ट। तो न्यूक्लियर सर पिकोमीटर में लेते हैं। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10^-50 पिकोमीटर के रेंज में इसका होता है न्यूक्लियस का, तो एटम का साइज कितना होगा, 10 एंगस्ट्रॉम के रेंज में। हाँ देखो वो बता रहा है कुछ कुछ। हाँ यस सर, एंगस्ट्रॉम के रेंज में एटॉमिक साइज होता है, क्योंकि एटॉमिक साइज में तुम्हारे पास क्या क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन भी तो आ जाते हैं बाहर घूमते हुए, लेकिन न्यूक्लियस का साइज जो होता है किस रेंज में होता है, पिकोमीटर के, पिकोमीटर में लेते हैं। बस पढ़ा दिए हम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म सर, ऐसे कैसे सर? अरे नहीं, बता देंगे सर, टेंशन में आकर के बेचारा खाना पीना छोड़ देगा कि सर किसी ये फिजिक्स में तो है सिलेबस में, लेकिन पढ़ाया नहीं, पढ़ा देंगे टेंशन मत सर। मतलब क्वेश्चन का लेवल में कुछ डिफरेंस नहीं होता, कुछ नहीं डिफरेंस हो, कुछ नहीं, सिलेबस जो है ना एग्जैक्टली सेम है, कंपेयर। हाँ सर, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ, अरे इधर भी वही पूछेगा कि अगर n इक्वल्स टू 5 से जम कर रहा है n इक्वल्स टू 2 में, तो बताओ कितना एनर्जी रिलीज होगा। अब क्या हम केमिस्ट्री और फिजिक्स का फॉर्मूला अलग बता देंगे, वही बताएंगे ना, या तो एनर्जी रिलीज पूछेगा, हाँ या सर, फिर तुमसे हाँ क्या पूछेगा, लैम्डा पूछेगा, यही दो चीज तो पूछता है कि एनर्जी कितना रिलीज हुआ, या जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो किस फॉर्म में आएगा, या फिर इसी में कुछ कुछ होता है ऐसा कि मान लो अगर कहीं से भी जम करके 1 में आ रहा है, तो ये कौन से सीरीज में आएगा, कहीं से भी जम करके कहां आ रहा है, 1 में, तो क्या बोलते हैं उसको, लाइमन बोलते हैं। कहीं से भी जम करके 1 में आए, तो कहीं से भी जम करके कहां है, 2 में आए, तो उसको क्या बोलेंगे, बामर बोलेंगे। जम करके क्या है, 3 में आए, तो क्या पाशेन, बोलेंगे, पाशेन, लाइमन, बामर, पाशेन, ऐसे चलता है, बस काम खत्म। इधर से ज्यादा ज्यादा देखोगे, और हर सीरीज, हर लाइन के लिए एक सीरीज लाइन होता है, हर लाइन के लिए क्या डिफाइन होता है, सीरीज लाइन डिफाइन होता है, जहां पे इंफिनिटी से जम करके कहां आता है, गिवन लाइन 1 और 2 में। हाँ, और उसके ऐसे ऐसे जो एनर्जी होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वही चीज पढ़ेंगे सेम टू सेम, लेकिन अगेन फिर पूरा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर थोड़ा बता बता करके, ताकि सारा चीजें तुमको रिकॉल हो जाए, वो आ जाएगा और टाइम में भी हो जाएगा। टाइम में हो जाएगा, चलो थोड़ा फिर आप ये वाला मतलब फिर बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक क्लास में कराएंगे, उसके बाद वो एक्सरे स्टार्ट कराएंगे ना, मतलब एक्सरे बोल रहा हूँ न्यूक्लियस। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद में ही पढ़ लेंगे, पहले न्यूक्लियस ही पढ़ हाँ लेंगे, सर वही टेंशन बोल नहीं रहा ले था रहे, सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर बाद में ही पढ़ा देंगे, क्वेश्चन एक बार देख लेंगे, टाइम हो गया वो हमको पता है, हम भी टाइम ही देख रहे हैं। इसका वेरिफिकेशन एक है, जो भी तुमने ये जो पढ़ा है ना मैटर वेव,
इसका वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करा गया हुआ है किसने, डेविसन एंड जर्मर ने। तो डेविसन जर्मर ने। एक बार रीड कर लेना, उसमें 7 पॉइंट होंगे उसमें बस, ठीक है। सवाल इस पे नहीं आता है क्योंकि ये क्या है, खाली एक्सपेरिमेंटल डेटा है इसमें, ठीक है। तो वो बस एक बार रीड कर लेना, जिसमें 7 पॉइंट है, जिस सबके पास मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल कितना नंबर है ये, मॉड्यूल नंबर 6 का पेज नंबर 103 पे होगा। 7 पॉइंट रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा जो जो चीजें दिया हुआ है, ठीक ओके सर। है। और बोर थ्योरी का जो एक्सप्लेनेशन है, बोर थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी इधर से ही आया, वो बता देंगे एक बार। एक मिनट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से किस टाइप के आते हैं। क्या क्या बोल रहे हो, ज्यादा पॉइंट दिया है क्या तुम्हारे वाले में? हाँ देखो, एक सवाल दिया था 2016 में, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी ई। समझ लो, ध्यान से सुन लो, सवाल क्या है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, और एक फोटोन है जिसका एनर्जी क्या है, ई है। क्योंकि फोटोन के लिए मास तो डिफाइन होता नहीं है, कैसा बोल रहे फोटोन ऑफ मास एम, मास किसके लिए डिफाइन होता है, वैसा ऑब्जेक्ट जिसके लिए रेस्ट मास डिफाइंड हो। इलेक्ट्रॉन का मास एम दिया हुआ है, एक फोटोन है टी, और इन दोनों का एनर्जी क्या है, सेम है। तुमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज, दोनों केस में जो रेशियो होगा, यहां से एक वेवलेंथ आएगा और यहां से भी एक वेवलेंथ आएगा, इन दोनों का रेशियो कितना होगा। ये 2016 में नीट में ऐसा सवाल पूछा था। बोलो कैसे निकालोगे, इस केस में जो लेमडा होता है वो क्या होता है, दोनों केस में लेमडा एच बाई पी होता है। इस केस में भी क्या होगा, एच फिर बाई एनर्जी सेम है तो फिर वेलोसिटी भी सेम ही होगा, एनर्जी सेम है तो, वेलोसिटी सेम ही होगा, मतलब हाँ एम भी लिखते हैं ना नहीं पी नहीं का। देखो दोनों के, इस केस में जो टी है यहाँ पे ई, क्योंकि अब इस केस में क्या है ना, इसके केस में रेस्ट मास है मास क्या है तुम्हारे पास, नहीं है सर। तो फिर इसको किस फॉर्म में लिखोगे, कंपेयर करोगे ई इक्वल्स टू, हाँ उस फॉर्म में, एमसी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से एम इंटू सी जो होगा इट विल गिव व्हाट, मोमेंटम। तो ये ई बाई क्या होगा, सी लिखेंगे, यानी इस फॉर्म में जो, जब फोटोन के केस में हम क्या लिख रहे होंगे, मोमेंटम लिखेंगे ना, तो उसको फिर एम इंटू सी लिख के छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको जब भी लिखेंगे मोमेंटम किस फॉर्म में लिखेंगे, ई सी के फॉर्म में लिखेंगे, यानी फोटोन के लिए जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ई इंटू ये डिवाइडेड बाई सी है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो मोमेंटम क्या आएगा तुम्हारे पास, एच सी बाई ये, किसके लिए, फोटोन के लिए। समझ में आ रहा है बात, ये फोटोन के लिए हुआ। अब यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला ही क्या होता है, रूट ओवर 2m e, तुमको याद होगा उधर अभी लिखे हुए थे, मिटा दिए, कि जब इसमें p लिखना होता है, किस केस में, मैटर वेव के केस में, तो p को जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसा चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना है, रेशियो ले लो, ऑप्शन जो होगा टिक कर देंगे। समझ में आ रही है बात, हाँ सर, चलो ऐसे ही जो हाँ भी सर, तुम्हारा जो नीट का मॉड्यूल होगा या जेई मेंस एडवांस का मॉड्यूल होगा, उससे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम तो करना ही है, फिर प्रैक्टिस कर लेना और भी सारी प्रॉब्लम। हाँ सर, चलो फिर बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। सर।